साबिका लीडर आम आदमी पार्टी इंदिरा शोभा ने आरटीआई के जरिए हासिल करदा रिपोर्ट सबूत के तौर पर आवाम के सामने रखते हुए तफसीलात बयान की और कहा कि दलित बंधु स्कीम का कैसा गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। दलित बंधु के नाम पर अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को रकम बांटी जा रही है और उन्होंने केसीआर को चैलेंज करते हुए कहा कि गरीब आवाम का हक मारकर बिल्डिंग्स कार्स मेंटेन करने वालों को दलित बंधु स्कीम के तहत 10 लाख रुपए दिए जा रहे हैं और घर बनाने के लिए 3 लाख की रकम अदा करने के प्लान से ये जाहिर कर दिया कि केसीआर को गरीब आवाम में डबल बेडरूम फ्लैट्स देने पर भी दिलचस्पी नहीं रही है। आइए सुनते हैं उन्होंने मजीद क्या कहा। सो अभी तेलंगाना बजट में जनरली हम क्या बोलते हैं, अंकल गारडी बोलते हैं, ऐसी हैं। सो लास्ट टाइम पे हमारा बजट 2.58 करोड़ आए तो अभी 2.90 नियरली 35,000 तक बढ़ गए, मगर उसमें एक्चुअली कितना आप अलोकेशन करें तो कितना बेनिफिट हो गए लोग के, मेन वही चीज़ हम देख रहे। सो इधर मेनली तेलंगाना में हेल्थ एजुकेशन बहुत वीक पोजीशन में है। सो लास्ट 8 ईयर से अभी तक चेंज कुछ भी नहीं हुआ। सो हेल्थ एजुकेशन कम्प्लीटली डाउनफॉल में है। आज भी कल बजट में एजुकेशन के लिए 6.57 एजुकेशन में, हेल्थ के बारे में 4% है। सो आपका विजन क्या है, क्या देते लोग के लिए, तो आपका विजन खाली प्रचार के लिए क्या चाहिए, हमको कमीशन कहाँ पे आते, वही प्रचार का बारे में आपका कंसंट्रेशन है, मगर तेलंगाना लोग के लिए कुछ भी नहीं है, वही ये फिगर में हमको फिगर हमको बता रहे। फॉर एग्जांपल आपको मैं एक चीज़ बता देंगे, बीसी का बारे में ये तेलंगाना स्टेट में 50% बोल रहे। सो इनका सर्वे में भी वही बता रहे, मगर बीसी का बारे में लास्ट टाइम आप लास्ट 8 ईयर से मैं एक आरटीआई डेटा ले लिया, उसमें आप एक बार ऑब्जर्व करें तो आपको दिखा देंगे मैं। सो तेलंगाना स्टेट में बीसी कॉरपोरेशन के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछा मैं। लास्ट 2014 तेलंगाना आने से लास्ट 8 ईयर से 2022 तक कितना आप यूज़ करा मैं पूछते तो कितना अलोकेशन करा बोलते तो 837.91 करोड़ इनका बीसी कॉरपोरेशन के लिए हम अलोकेट करा। मैक्सिमम कितना अमाउंट रिलीज करा पूछते तो 466.63। सो 837 करोड़ में 466 करोड़ आप रिलीज करा, उसमें कितना खर्च करा 221.33, ऑल 50-50%। सो उसमें कितना बेनिफिशियर्स हो गया 38,355। सो बोलते तो हमारे लोग कितना है, तेलंगाना में बीसी पॉपुलेशन 56% आप बोल रहे, मगर अभी तक तेलंगाना बीसी कॉरपोरेशन में 6 लाख हमको कॉरपोरेशन के लोन के लिए अप्लीकेशन दिया, वो बीसी कॉरपोरेशन में है अभी। सो अभी आप कितना दिया, खाली 38,355 देते तो आपको क्या है। सो बजट में अलोकेशंस नहीं है, कंप्लीट टू बिल्कुल हमको नाराज कर रहे, मगर आप बीसी के लिए हम ज़्यादा कर रहे, हमको आपको आत्मगौर के लिए भवन दे दिया, ये इसके लिए ये चीज़ के लिए तेलंगाना है क्या। सो ये सोचना, तेलंगाना बोलते तो ऑल एससी एसटी बीसी माइनॉरिटी पूरा लोग का है, ये लोग को आप क्या क्या दिया, हेल्थ एजुकेशन देते तो पूरा देते। वो पहले रिसेंट से केजरीवाल से मिला ना, दोनों मिलके जोड़ के रख दे बना ऐसा जोड़ के घूम रहे ना अब दोनों। सो केसीआर का गंदा पूरा केजरीवाल के दे दिया, पर केजरीवाल के पास है ना हेल्थ एजुकेशन अच्छा स्मेल है, वो सेंट आप कहीं को नहीं ले लिया। सो आपको ये चीज़ नहीं यूज ना को ऐसा मैसेज दे दिया आप। सो इसीलिए तो मैं क्या बोल रहे, लोग थोड़ा ये बजट में कंसंट्रेशन करना और केसीआर का एडमिनिस्ट्रेशन में क्या करा सोचना, और एक बार ये बजट में आईपीआर के लिए आईएनपीआर है ना, सो आईएनपीआर में लास्ट टाइम 140 करोड़ है तो ये बजट में 1000 करोड़ दे दिया, 1000 का एक दे दिया। अभी बीआरएस पार्टी
पूरा देश में चलाने के लिए, इनका एडवर्टाइजमेंट के लिए वो फ़ायदा होता। गवर्नमेंट मन से पार्टी का एडवर्टाइजमेंट चलाने के लिए आप ज़्यादा पैसे दे दिया। और एक इसमें और एक इरिगेशन का बारे में 26,000 करोड़ है। सो इरिगेशन में ऑलरेडी आप 38,000 का 1,30,000 तक आप बढ़ गए। सो अभी क्या कर रहे, अभी तक नहीं करा ना आप। सो कमीशन कहाँ है तो वहाँ पे कंसंट्रेशन करा। सो इरिगेशन पे आप कंसंट्रेशन है और न्यूट्रिशन किट पे आपका कंसंट्रेशन है, मगर हमको देने के लिए आपको मन नहीं आते। और एक दलित बंद के लिए भी आप ज़्यादा भाषण बोल रही। दलित बंद में क्या दिया, 17,700 लास्ट टाइम बोला, वो भी वही बोल रहे। लास्ट टाइम का वो दलित बंधु का भी मेरे पास आती है, वहाँ पे भी एक पैसा भी नहीं यूज़ करा। मगर आप एक एग्जांपल बोलता, मुर्शिदाबाद में मेरे पास और एक आरटीआई कॉपी है। मैं एक आरटीआई पूछा गवर्नमेंट में, उसमें मुर्शिदाबाद का दलित बंधु के लिए एक लिस्ट आया मेरे पास, वो लिस्ट मैं आपको बता देंगे। सो उसमें दलित बंध को कितना फैमिलीज दे दिया देख लीजिए। सो उसमें पूरा 1, 2, 3 96 मेंबर्स के दे दिया, ईच मेंबर की 9.90 लाख दे दिया। उसमें मैं पूरा कंप्लीट इन्वेस्ट करे तो किसको दे दिया पूरा देखे तो पूरा ये ऑल पर्सन सर टीआरएस पार्टी का कार्यकर्ता हैं। सो वो कार्यकर्ता में दलित हैं, मगर दलित का में एसटीज भी हैं, मगर सॉरी क्रिश्चियंस भी हैं। क्रिश्चियन की देने के लिए इसमें ये दलित बंद में नहीं है, मगर क्रिश्चियन फैमिलीज भी इंक्लूडिंग इसमें हैं। मगर एससी का भी इन पूर है तो देना, मगर ये लोग को कार है बिल्डिंग है ऐसा लोग की आप दिया। आपका दलित बंद कंप्लीटली मिसयूज हो रहे बोलने के लिए मैं कोशिश कर रही। आज आपका दलित बंद में क्या बोल रहे, 1,100 मेंबर्स के लिए दलित बंद ईच कॉन्स्टेंस के देते बोल रहे। ये इलेक्शन टाइम के किसको आपको बेवकूफ करने के लिए बात बोल रहे। सो ये काम ऐसा कर रहे, सो इलेक्शन टाइम पे आपका कार्यकर्ताओं के लिए पैसे दिलाने के लिए ये काम कर रहे। मैं आपको आरोपण कर रहे, मैं ये एविडेंस के साथ मैं आपसे बात कर रहे। मेरे पास लिस्ट है, दिखाओ ये पूरा आपका टीआरएस पार्टी वाला है नहीं है, आप कर देख लो। मैं चैलेंज करता हूँ टीआरएस गवर्नमेंट के लिए। और एक ये डबल बेडरूम का बारे में, तेलंगाना आने के बाद में ज़्यादा लोगों की जीएचएमसी इलेक्शन पे जिताना के लिए मेन चीज़ डबल बेडरूम था। ये डबल बेडरूम आप हैदराबाद में और तो रूरल में दोनों मिलके 2.9 लाख तक डबल बेडरूम हाउस देने के लिए आप एक बात बोला। सो वो भी मेरे पास है आरटीआई, देख लीजिए वो भी आरटीआई आप गवर्नमेंट दे दिया। ये देख लीजिए ये फर्स्ट फेज था और उसमें सेकंड वन था, यहाँ पे है दिखा दो, देख लीजिए इधर 1.2 है तो ये ग्रामीण रूरल का 1.20598 वादा किया, उसमें 28,767 कंस्ट्रक्शन हुआ। बेनिफिशरीज कितना है, 7,493 मेंबर्स बेनिफिशरीज है से ये रूरल में। और अर्बन एरिया में दिखा तो एक बार अर्बन पट्टन में, अर्बन एरिया में देख लीजिए कितना है 1.70459, उसमें 79,771 कंस्ट्रक्शन हुआ। उसमें बेनिफिशरीज कितना हैदराबाद में 6,284 मेंबर्स की दे दिया। सो पूरा रूरल एंड अर्बन मिले तो कितना मेंबर्स की 13,723 मेंबर्स बेनिफिशरीज हैं। बाकी आपका वादा कितना 2,91,057 हाउसेस देने के लिए आप वादा किया। सो सेकंड मैनिफेस्टो में 2018 में मैं घर नहीं देते तो खाली जगह है तो वो लोग की 5,000 देता है, ऐसा आप मैनिफेस्टो में हैं, देख लो मैनिफेस्टो में। मगर ये मैनिफेस्टो में भी आप निकल के अभी 3 लाख बोल रहे असेंबली में। मैं वो टाइम पे ये आटे डेटा रख के मैं आपको चैलेंज करा। सो आप ये वादा करा, आप लोग की धोखा करे 3 लाख बोल रहे तो 3 लाख भी नहीं सफिशिएंट नहीं होता, आप इंक्रीज कर लीजिए। अभी पूरा स्टील आयरन एवरीथिंग अभी इंक्रीज हो है प्राइस, इसीलिए तो मैं वो बात बोलते तो कल असेंबली में भी इन वो बात नहीं है। एटलीस्ट 3 लाख बोलते तो आप कितना दिया,
बहुत वेरी लेस अमाउंट दिया उसमें, वो भी यूज नहीं होता। सो फाइनली केसीआर के डबल बेडरूम हाउस देने के लिए इनको इंटरेस्ट नहीं है, वो मैसेज हमको दे दिया। फॉर एग्जांपल आपको और एक मेरा मुर्शिदाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में डबल बेडरूम हाउस के लिए दिखा दो कितना दिया आप 2 BHK बारे में। लंबड़ी तंडा में 126 हाउसेस और सायचंद काल में 108 हाउसेस। सो काली कितना 126 और 108 बोलते कितना देख लीजिए आप। और LB नगर प्रोग्रेस में है 40 हाउसेस और अंजय नगर 35 हाउसेस। ये दो चीज भी अभी कोर्ट केस में है। सो ऐसा आपको पालन करने के लिए, लोग को संक्षेम देने के लिए आपको कम से कम आपको इंटरेस्ट नहीं है। खाली लोग को आप कभी भी बात करके भाषण दे के लोग के आप पूरा दीवार कर रहे। सो इसीलिए तो KCR हटावो तेलंगाना बचावो को अभी आ गया। सो इनका प्रगति भवन बनाने के लिए, इनका सेक्रेटेरिएट बनाने के लिए, इनका खुद का काम करने के लिए इनकी इंटरेस्ट है, मगर तेलंगाना लोग का हेल्थ एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट का बारे में इनको इतना भी सोई नहीं है। सो तेलंगाना में KCR की सोई में आने के लिए लोग रेडी रहना। अभी कल ये मैसेज दिया आप इलेक्शन का बारे में, ये दिए तो भी इलेक्शन का बारे में हमको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, वो चीज भी नहीं है उसमें। सो KCR का कंप्लीट विजन अलग है, वो लोग पता है। डेफिनेटली आगे दिन में KCR की घर में भेजने के लिए, फार्म हाउस में सोने के लिए रेडी पे रहना। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन को भी लोन देते बोल के अभी तक 9000 एप्लीकेशन आए हुए हैं। ओके सो पूरा ऐसी चाहे भैया, वो माइनॉरिटी ऐसी हैं, BC ऐसी हैं, SC ऐसी हैं, ST भी ऐसे हैं। सो SC के बारे में दलित बंधु बोलते तो कुछ भी नहीं दिया, ST के बारे में अभी मुनगोड़े इलेक्शन के पहले दलित बंधु देते बोल रहे, मगर वो भी नहीं दिया। सो माइनॉरिटी का वक्फ बोर्ड का क्या है पोजिशन, इनका कुछ गलत काम करते तो भी अभी तक आप क्या कर रहे हैं पता नहीं लोग के लिए। सो वक्फ बोर्ड में बहुत पैसे हैं, उसमें वो ओल्ड सिटी में बहुत हमारा मुसलमान भाई बहनों एजुकेशन के बारे में, एम्प्लॉयमेंट के बारे में, इनका मिनिमम खाने पीने के लिए भी ठीक नहीं है। वो लोग को थोड़ा सपोर्ट करना, वो वैसे चाहे ना। सो आपका संक्षेम कंप्लीट नील है, वो वैसे आपके साथ है, इसीलिए तो वो वैसे की थोड़ा खुशी करने के लिए कभी कभी बात करते, असेंबली में थोड़ा चिल्ला रहे बस हो जाता, वही था। अब दोनों का बीच में ऐसा रिश्ता है, इसीलिए तो हमारे मुसलमान भाइयों की पूरा आप बर्बाद कर ले। अभी थोड़ा हमारा भाई बहनों मुसलमानों को पूरा अभी KCR का बारे में विजन क्या है अभी थोड़ा अलर्ट हो रहे लोग। और एक उसमें मेन चीज़ था, तेलंगाना में 80% फार्मर है, वो फार्मर के बारे में इनका ऋणमाफ़ी फर्स्ट फेज में 1 लाख एट ए टाइम करते KCR ऐसा इलेक्शन टाइम में बोला, अभी तक नहीं हुआ। वो लोग के लिए अभी तक हम प्रश्न करें, मगर प्रश्न का जैसे जवाब है, मगर जवाब नहीं है KCR के पास। अभी तेलंगाना में 36 लाख फार्मर्स के लिए ऋणमाफ़ी करने के लिए वेट कर रहे, और सेकेंड टाइम इलेक्शन का बारे में 2018 इलेक्शन का टाइम पे KCR एक GO लाया। सो कुछ फार्मर डेथ होते तो इनका इंश्योरेंस देने के लिए बोल 5 लाख, वो इंश्योरेंस के बारे में खाली 1 ईयर इलेक्शन टाइम पे हलचल कर रहे, मगर अभी तक वो भी नहीं है। सो फार्मर के बारे में क्या बोलते हैं, रईत बंधु दे रही, रईत बंधु किसको दे रहे आप? रईत बंधु एक्चुअल फार्मर कौन है, किसान का खेत करते वो लोगों को देना, वो लोगों को आप नहीं दे रहे, इसीलिए तो फार्मर के बारे में इनका थोड़ा काम किसान का खेत करने के लिए इनको अमाउंट नहीं है, इसलिए तो प्राइवेट लोन्स ला रहे। इसका बारे में इनको आत्महत्या के लिए, वुमेन ज़्यादा लोग वुमेन है, वुमेन फॉर्मर भी ऐसा अभी सुसाइड कर रहे। रिसेंट में मैं भी वो फॉर्मर सुसाइड का बारे में एक आटे भी KCR की लगा, वो एक वरिष्ठ CM आने के टाइम पे, एक्स CM आने के टाइम पे पार्टी में ज्वाइन टाइम पे KCR एक बात बोला, तेलंगाना में 0 सुसाइड्स है फार्मर का बोल रहे। मैं वो दिन इमीडिएटली RTI गवर्नमेंट दे देना, वो काउंटर इनको दे दिया। मैं तेलंगाना 2014 से अभी तक नियरली कम से कम 6477 2020-21 तक, वही NCRB डेटा लास्ट ईयर 2 ईयर्स भी हम ऐड करें तो नियरली कम से कम 8 लाख तक रहता। सो ये आपका फार्मर का विजन्स है। सो अभी देश में आगे दिन में BRS पार्टी के साथ आप लोग जोड़ते तो आगे दिन में अब की सरकार
किसान सरकार बोल रहे केसीआर कैसा आते किसान सरकार, आत्महत्या किसान का है। सो आपका इनकम कहाँ पे आते, तेलंगाना के लिए लिक्कर पे आते, पेट्रोल टैक्स में आते। वो क्या क्या करते ये मनी के लेके, आप क्या करते 39,000 लाख काली लिक्कर के आ रहे। सो लोग के लिए पीना रोना वो सुसाइड के लिए आप इंकरेज कर रहे, मगर बच्चों के लिए एजुकेशन नहीं है, हेल्थ नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है। वो कम से कम इन भरने के लिए आप गवर्नमेंट से कुछ भी नहीं दे रहे। सो हमारा टैक्स का बारे में पेमेंट बराबर ले रही है गवर्नमेंट, मगर आप वापस हम क्या दिया आप लोगों। सो इसीलिए तो तेलंगाना लोग थोड़ा ध्यान से वो कॉन्सनट्रेशन करके ये तेलंगाना बचाने के लिए पूरा लोगों आपका आवाज़ उठाने के लिए टाइम आ गया देखने के लिए। आप लोग का तरफ से हमारा जैसे लड़ने के लिए रेडी है। मैं बोले 24 घंटे करंट फ्री दे रहे हैं बोल के किसानों को वारंटी सीएम साहब। सो 24 करंट का बारे में बोलते तो रिसेंटली एक करीमनगर में कोरुटला में विद्युत का एम्प्लॉयज रहते ना भैया, वो लोन के लिए एक कमरे में बंद करके हमको करंट कई को आप बंद करा वो लोग लड़ रहे वो लोग। और वरंगल में महबूबाबाद में हमारा पूरा अभी थोड़ा पावर कट का बारे में तो हमारा पैडी जैसे पूरा कंप्लीट ड्राई हो रही, आप कई को पावर नहीं दे रहे, पूछ रहे कहाँ है 24 आवर्स पावर। सो अभी आपका वो पावर का बारे में बहुत तकलीफ है। सो रिसेंटली पावर नॉर्थ एंड साउथ वाला एक बैलेंस शीट भेज दे, मैं देखा उसमें 50,000 लाख्स तक वो ये माइनस में है। ये पैसे कौन फिल करते, इसीलिए तो आप ये सीडी चार्ज कर रहे लोग के लिए। डिस्किम्स का बारे में तो वो ये पूरा माइनस में है। सो पावर आपके पास नहीं है, खाली फर्स्ट फेज पावर भी 24 आवर्स में है, फुल पावर नहीं आते। फुल पावर आते तो मोटर चलाते, नहीं तो मोटर नहीं चलाते तो पानी नहीं आते। किसान का बारे में खेत का बारे में वो फार्मर बहुत तकलीफे में सुसाइड का जैसे जा रहे। सो यही तेलंगाना में हालत है। खाली तेलुगु में बोलते एक सामेत मीद मिटारम लोपल लोटारम, ऐसी है केसीआर का पालन पूरा। सो इनका प्रगति भवन में पूरा ऐसी चिनके है ना, इसीलिए तो लोग के भी पूरा एवरीथिंग ठीक है ऐसा सोच रहे।